Good morning, children. How are you all? So, आज का सेकेंड लास्ट लेक्चर है. हालांकि प्लांट किंगडम का जो क्लासिफिकेशन होने वाला है उसमें हम अंत तक आ गए हैं. कल का एक और लेक्चर रहेगा जिसमें हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस के बारे में समझना है. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस इम्पॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए. सो ओके, हितेश इज देयर, जोशी इज देयर. हेलो हितेश, जोशी. सो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो कल करेंगे हम कल, ठीक. आज हमें एंजियोस्पर्म ख़त्म करना है. जिम्नोस्पर्म हमने कर लिया था ऑलरेडी, आपने जिम्नोस्पर्म देख लिया होगा. So I won't waste the time. Time is money. So let's begin with the lecture. Lecture मैं शुरू कर रहा हूँ. तो अपनी notebook निकाल लेना और जो points हैं उनको note कर लेना. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ lecture के दौरान ही पता चलेंगी, text में नहीं मिलेंगी जो हमने slides बनाई हैं. So angiosperms, ठीक है. तो phanerogams हमने देखे थे, उनमें हमने देखा था कि दो तरह के कैटेगरी में प्लांट को डिवाइड कर सकते हैं. एक होते हैं जिम्नोस्पर्म और दूसरे होते हैं एंजियोस्पर्म. सो जिम्नोस्पर्म में हमने देख लिया कि वो नेकेड सीड्स होता है, उनका जो ओव्यूल्स होता है वो नेकेड होता है, ओवरी के अंदर नहीं होता. बट एंजियोस्पर्म में जो सीड्स होते हैं वो ओवरी के अंदर होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं. यही मेन डिफरेंस है दोनों के बीच, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स के बीच में. तो एंजियोस्पर्म्स भी सीड प्लांट हैं, ठीक है. इसमें जो स्पोरोफिल्स होता है वो फ्रूट्स और सीड्स में ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है. और जो सीड्स होते हैं दे आर प्रोड्यूस इनसाइड द फ्रूट्स, ठीक है. तो स्पोरोफिल्स फ्रूट्स में ऑर्गेनाइज हैं, फ्रूट्स इनके अंदर फ्रूट बनेगा और फ्रूट के अंदर ही सीड्स होंगे. तो जितने भी सीड्स हैं वो प्रोटेक्टेड है. और फ्रूट्स हम ऑलरेडी जानते हैं किससे बनता है, हमने जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. ओवरी टर्न्स इनटू फूड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ओवरी बिकम्स द फ्रूट, ठीक है. एंड ओव्यूल्स बिकम्स द सीड, ठीक है. तो जब ये ओव्यूल्स ओवरी के अंदर होते हैं इसलिए सीड भी फ्रूट के अंदर पाया जाएगा. यही होता है एंजियोस्पर्म में. आई बिलीव ये क्लियर हो गया होगा आपको. हेलो कुलदीप चौधरी, ओके. चलो अब जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट है वो एक्वेटिक है, वॉल्फिया, जिसकी जो हाइट है 0.1 सेंटीमीटर है. और जो टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म की आप बात करोगे वो यूकेलिप्टस रिगेनस. यूकेलिप्टस प्लांट्स होते हैं. आप अगर हमारी तरफ आएँ, हरिद्वार की तरफ जाएँ, मेरठ से होते हुए हरिद्वार की तरफ जाएँ, तो आपको बहुत लंबे लंबे प्लांट देखने को मिलेंगे. वो यूकेलिप्टस प्लांट होते हैं, बहुत टॉल होते हैं, लगभग 114 मीटर या इससे भी ज़्यादा हाइट के ये हो सकते हैं, ठीक है. और बहुत मतलब सुंदर दिखते हैं, खूबसूरत होते हैं. हेलो निखिल, ओके. सो ये हो गया हमारे एंजियोस्पर्म के बारे में. तो अब ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया, स्मॉलेस्ट और टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि एक मार्क का क्वेश्चन इसमें से बन सकता है. और एंजियोस्पर्म क्या होते हैं ये तो इंपॉर्टेंट है ही. एंजियोस्पर्म हायर प्लांट्स है, हाईली इवॉल्व प्लांट्स हैं. जो हायर मोस्ट प्लांट हैं वो सारे के सारे एंजियोस्पर्म हैं, जिसमें सब कुछ डेवलप्ड है, ओके, ठीक. एंड ये जो प्रेजेंट डे अर्थ है उस पर इनका वेजिटेशन सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है. एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा डोमिनेंट हैं और यही आपको हर जगह पाए जाएंगे. हालांकि और दूसरे प्लांट भी पाए जाएंगे, हेलो कुमार, दूसरे तरीके की प्लांट भी ऑलरेडी पाए जाएंगे, मगर एंजियोस्पर्म डोमिनेंट है हमारी अर्थ पर अभी प्रेजेंट डे में, क्योंकि ये हाईली डेवलप प्लांट हैं. ये डेवलप कर गए हैं, इन्होंने अर्थ को टेक ओवर कर लिया है. इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? बताते रहो यार, इतने सारे लोग, दो लाइक दिल तोड़ देते हो तुम लोग. तुम उन टीचर्स का बदला के हमसे ले रहे हो जिन्होंने तुम पर अत्याचार किए. हमने कोई अत्याचार नहीं किए, डांटा ही होगा, मारा तो नहीं होगा कभी यार. और डांटना भी छोड़ दिया आज से, तो मतलब अब से कई दिन पहले छोड़ दिया है. पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ो मत पढ़ो. स्पोरोफाइट डिफरेंशिएशन दिखाते हैं इनका. एंजियोस्पर्म के जो स्पोरोफाइट है उसमें डिफरेंशिएशन होता है, उसमें थैलस बॉडी नहीं होती. इसमें एक वेल डेवलप्ड रूट, शूट, स्टेम और लीफ मिलेंगी. रूट, स्टेम और लीफ वेल डेवलप्ड मिलेंगी, तो इनमें एक अच्छा खासा डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है. एग्जांपल ले लो मैंगीफेरा इंडिका का, ले लो मैंगीफेरा इंडिका यानी मैंगो का एग्जांपल ले लो आप.
ओके, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है ऑलरेडी। ओके, तो उसमें आपको लीव्स मिलेंगी, उसमें आपको रूट्स मिलेगी, हाईली डेवलप्ड रूट्स हैं, हाईली डेवलप्ड लीव्स हैं, ठीक है, हाईली डेवलप्ड स्टेम है, उसके अंदर वास्कुलर बंडल्स भी हैं, वास्कुलर टिश्यूज भी हैं, जाइलम फ्लोएम भी हैं, वो भी कम्प्लीटली डेवलप्ड है। ओके, सो ये इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर यू हैव विल हैव टू वेट फॉर दैट पीडीएफ, ओके, इन द टेलीग्राम। जिन्होंने टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, ये जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में ही मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम का सॉर्ड इंडिया ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और बाकी जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो नोट भी कर सकते हो आप, वीडियो ऑलरेडी आपके लिए थ्रू आउट देर, जब तक ये चैनल रहेगा तब तक ये वीडियो रहेगी आपके लिए। जाइलम मेनली मेड ऑफ वेसल्स। अब वहाँ पर जो जाइलम थे उनमें वेसल्स नहीं थी, मगर एंजियोस्पर्म के अंदर जो हमने कल जिम्नोस्पर्म देखा था उनमें नहीं थी, और उससे नीचे लोअर वालों में तो और चीज़ें इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, मगर यहाँ पर जो एंजियोस्पर्म में जाइलम्स बनी हुई हैं मेनली वेसल से बनी हुई हैं। कंपेनियन सेल्स की बात करें तो कंपेनियन सेल्स भी प्रेजेंट है फ्लोएम के अंदर, जो जिम्नोस्पर्म में नहीं रिक्वायर्ड थी। ओके, तो जाइलम्स जाइलम वेसल से बनी हुई हैं, फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स पाए जा रहे हैं जो सीव ट्यूब को हेल्प करेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड में, जो भी लीव से ट्रांसपोर्टेशन होना है फूड का। ओके, इज दैट क्लियर? इनमें जो फ्लावर होते हैं एंजियोस्पर्म में, वो एसेंशियल ऑर्गन है। एसेंशियल ऑर्गन क्यों है? क्योंकि यही भैया, ये फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द एंजियोस्पर्म, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इस पर ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है। तो फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो फ्लावर्स पर पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आप क्या बोलोगे? एंड्रोशियम बोलोगे, साइन बना दे रहा हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आप बोलते हो गाइनेशियम। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर्स पे ही पाए जाएंगे। फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो सकता है, फ्लावर बाइसेक्सुअल हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, उन एंड्रोशियम और गाइनेशियम ये भी नॉन एसेंशियल ऑर्गन से घिरे रहते हैं, जैसे कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स कोरोला क्या है? यानी पेटल्स, सेपल्स, इन सब से घिरे रहते हैं। पत्तियाँ, हरी छोटी छोटी पत्तियाँ और कलरफुल जो पेटल्स होते हैं, है ना, उनसे ये लोग, उनसे ये घिरे हुए रहते हैं। सो फ्लावर का ध्यान रखना है, एंजियोस्पर्म में फ्लावर पाए जाएंगे। फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंड्रोशियम के नाम से, इट इज़ डिनोटेड बाय द नेम एंड्रोशियम, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड गाइनेशियम। विल यू रिमेंबर इट? मेल गैमेटोफाइट जो इनके अंदर होता है, एंजियोस्पर्म के अंदर जिसके अंदर मेल गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेटोफाइट यानी वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर मेल गैमेट है, उसको पोलन, दैट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर ही मेल गैमेट होंगे। और फीमेल गैमेटोफाइट यानी जिसके अंदर फीमेल गैमेट पाया जाएगा, दैट इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट्स पाए जाते हैं। गैमेटोफाइट बहुत ज़्यादा रिड्यूस स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको, इनका काम सिर्फ गैमेट्स को कैरी करना है। तो बस ये रिड्यूस्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस इन्हें प्लांट्स के अंदर नहीं चाहिए। दो दे आर मल्टी सेल्यूलर है ये, बट इनको ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए। एक चीज़ और बता दूँ, हालांकि तुम्हारे लिए नहीं है, नीट 2021 की डेट आ गई है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो जो लोग भी नीट की तैयारी कर रहे हैं आपके आस पड़ोस में, उनको नहीं पता है, हालांकि आजकल तो सबको ही पता रहता है, फिर भी इन्फॉर्म कर सकते हो आप। ओके, देयर आर 7 सेल्स प्रेजेंट इन द फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर 7 सेल्स होती हैं। और एक चीज़ और बताता हूँ इंटरेस्टिंग, 7 सेल के अंदर 8 न्यूक्लियस होते हैं। देयर आर 7 सेल्स इन फीमेल गैमेटोफाइट एंड 8 न्यूक्लियाई। 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। 7 सेल्स, 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं, ध्यान रखना। ये आपको 12th में काम आने वाली है जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। ओके, इज दिस क्लियर?
यहां तक क्लियर हो गया है? चलिए लेट्स मूव फर्दर। तो सेवन सेल्स प्रेजेंट होती है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, इसको मेगा गैमेटोफाइट बोलते हैं। तीन सेल्स इसमें पाई जाती हैं, वो मेल गैमेटोफाइट होती है जिनको माइक्रो गैमेटोफाइट बोलेंगे। तो सात सेल है, आठ न्यूक्लियस है, आठ न्यूक्लियस जो होते हैं उनको मेगा गैमेटोफाइट बोलेंगे, यानी जो टोटल फीमेल गैमेटोफाइट है उसको मेगा गैमेटोफाइट बोलेंगे। और तीन सेल्स होती हैं मेल गैमेटोफाइट के अंदर जिनको माइक्रो गैमेटोफाइट कहते हैं या माइक्रो गैमेटोफाइट बनाते हैं। इज दिस क्लियर? चलिए लेट्स मूव फर्दर। मेल गैमेटोफाइट के अंदर मेल गैमेटोफाइट में वो पोलन ट्यूब डेवलप करेगा, और पोलन ट्यूब दो मेल सेल्स को लेकर, दो मेल सेल्स यानी मेल गैमेट्स, वो मेल गैमेट्स को लेकर मूव करती है। ओके, मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमेटोफाइट जो है वो पोलन ट्यूब डेवलप करेगी, पोलन ट्यूब्स दो मेल गैमेट्स, दो मेल सेल्स को कैरी करेगी, है ना, और उसमें साथ में होगा एक ट्यूब न्यूक्लियस। ये ट्यूब न्यूक्लियस ही पोलन ट्यूब बनाने में मदद करता है। पोलन ट्यूब जब मूव करती है इसके अंदर, ठीक है, तो यहां से देखिए पोलन ग्रेन आया, तब इसमें पोलन ट्यूब जब मूव करेगी इनसाइड दिस फीमेल गैमेटोफाइट, तो यहां पर जब इसको मूव करना है तो वो ट्यूब न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है और पोलन ट्यूब के आगे बढ़ने का रास्ता बनाता है बाय डिसइंटीग्रेटिंग दिस स्टिग्मा एंड द स्टाइल, यानी जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम पिस्टिल बोलते हैं, तो पिस्टिल के अंदर जो स्टिग्मा और स्टाइल है उनकी सेल्स को डीजनरेट करता हुआ पोलन ट्यूब के लिए रास्ता बनाता है, और साथ ही में ये दो मेल सेल्स हैं, मेल गैमेट्स हैं, ये मूव करते हैं एंड दे रीच टू द एम्ब्रियो सैक, वो एम्ब्रियो सैक तक पहुंच जाते हैं। ये एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक। इज दैट क्लियर? ओके, सो मेल गैमेटोफाइट में जो पोलन ट्यूब होती है वो दो मेल सेल्स और एक ट्यूब न्यूक्लियस को कंटेन करती है, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट इज मेड अप ऑफ एट न्यूक्लिएटेड सेवन एम्ब्रियो सैक। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि सात सेल होती हैं, सात सेल से एम्ब्रियो सैक बनता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है एम्ब्रियो सैक, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो एक दो तीन, तीन सेल तो यहाँ हुए, इनके अंदर तीन न्यूक्लियस हैं, चार पाँच छ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और यहाँ पर एक सेल होती है जिसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, ये है एक ही सेल, इसको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। सो टोटल न्यूक्लियस कितने हो गए, टोटल न्यूक्लियस कितने हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट न्यूक्लियस, बस सेल कितनी हो गई, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन सेल्स एट न्यूक्लियस, एंड ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाया इसी को बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। आप भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, आपको काम आएगा, ये काम आएगा ट्वेल्थ में, डेफिनेटली काम आएगा। अपने ट्वेल्थ इलेवंथ की जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उनको फेंक मत देना, ट्वेल्थ में काम आएंगी, नीट की तैयारी करोगे उसमें काम आने वाली है। इज दिस क्लियर? गैमेटोफाइट्स आर कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट जो भी होते हैं वो डिपेंड करते हैं स्पोरोफाइट के ऊपर। अभी स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट को अच्छे से समझने के लिए हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझना पड़ेगा कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, मगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूंगा। गैमेटोफाइट वो होते हैं विच कैरी गैमेट्स, जिनका गैमेट से लेना देना है, ठीक है, और ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होती है, जबकि स्पोरोफाइट दे आर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, जो मेगा जो मदर सेल होती है वो स्पोरोफिटिक होती है। तो ये सब डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं, ये डिप्लॉइड हैं। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होते हैं, कल भी मैंने कहा था आपको इसके लिए सेल डिवीजन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा नाइन्थ क्लास का, आई बिलीव आपने कर लिया होगा, ठीक है। तो
क्योंकि वो चीज़ें, वो जो फैक्चुअल चीज़ें हैं नाइन्थ और टेंथ की, वो बेसिक चीज़ें हैं, उनका थोड़ा सा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो गैमेटोफाइट्स कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं स्पोरोफाइट पर, यानी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स जो होती हैं उन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, MMC मेगा स्पोर मदर सेल जो होती है उसी से गैमेट्स बनते हैं। वो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है, उसमें जब मियोसिस होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो उसके दौरान हैप्लॉइड सेल्स बनती है। इज दैट क्लियर? चलिए, अब जो लोअर प्लांट्स होते हैं उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो एंथ्रीडिया होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनिया होता है। एंजियोस्पर्म में क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर है, फ्लावर पे वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया एबसेंट होंगे, दे आर नॉट रिक्वायर्ड हियर। पॉलिनेशन होगा, ठीक है, यानी जो पॉलन ग्रेन है वो डिस्पर्स होंगे फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। अब वो सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, वो क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा फिर रिकॉल करा देता हूँ। सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही प्लांट है, सपोज कीजिए ये एक प्लांट है, तो इसी के इस अगर इसी फ्लावर का पोलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पर सेटल हो रहा है वो भी सेल्फ पॉलिनेशन है, या इसी प्लांट के किसी एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर सेटल हो रहा है वो भी सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। ठीक है, हालांकि उसमें भी डिफरेंस है, गाइटेनोगैमी और ऑटोगैमी, तो वो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, उसमें नहीं जा रहे हैं। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है कि भाई दो प्लांट हैं, अब यहाँ पर दो प्लांट हैं, मैं दोनों दो प्लांट बना दिए यहाँ पर मैंने, प्लांट ए है प्लांट बी है, दो प्लांट आपको दिख रहे हैं, इन पे फ्लावर्स हैं, तो अगर इस प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है वाई से वर्षा, इसका इस पे हो सकता है, इसका इस पे हो सकता है, तो इस तरह का जब पॉलिनेशन होता है किसी एक, बट प्लांट शुड बी ऑफ सेम काइंड, एक ही स्पीसीज के प्लांट होने चाहिए, तो सेम काइंड के प्लांट हैं मगर उनके किसी एक फ्लावर से उस दूसरे प्लांट के किसी भी फ्लावर पे पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, तो इस तरह का पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। आई बिलीव है तुमको समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा है तब भी दो बच्चों ने लाइक करा है, बताओ यार कैसे तुम लोग शैतान बच्चे हो। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना तुम लोग। क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू, अब कैसे होगा, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एजेंसी चाहिए, पॉलिनेशन एजेंट चाहिए, वो कौन से हो सकते हैं, वो विंड से हो सकता है, वो वाटर से हो सकता है, वो एनिमल हो सकता है, वो बर्ड हो सकती है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी पोलन ग्रेन है। अगर बहुत हल्के पोलन ग्रेन हैं विंड उनको बहा के ले जाएगी, पोलन ग्रेन लाइट हैं उनमें डेंसिटी कम है तो वाटर और एक्वेटिक एरिया में पाए जाने तो पानी उनको अपने साथ बहा के ले जाएगा। अगर वो एनिमल की बॉडी से चिपक सकते हैं तो एनिमल की बॉडी चिपक के चले जाएंगे, बर्ड की बॉडी से चिपक सकते हैं, उनके जो लिम्स होते हैं उनसे चिपक सकते हैं, फेदर उनसे उनके चिपक उनसे चिपक के जा सकते हैं, तो वो वहाँ उनसे पॉलिनेटेड हो जाएंगे। That we have already studied in junior classes. Now we need to talk more detail about the angiosperms. Angiosperm के बारे में हमें और डिटेल में देखना है, यहाँ पर मैं तो आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा। तो अब हमने यहाँ पर angiosperm में एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मेजोरिटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज देयर। जब सीड फॉर्मेशन हो रही है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर तो रिप्रोडक्शन तो रिप्रोडक्शन कहाँ है, सेक्सुअल टाइप का रहेगा। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के दौरान मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे। अब ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, जब इनका फ्यूजन हो जाएगा ये एक जाइगॉट बनाएंगे। जाइगॉट कैसी स्ट्रक्चर होगी, जाइगॉट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगी, उनके अंदर क्रोमोजोम दोनों का मिक्स हो जाएगा तो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगी। तो जाइगॉट जब बनता है मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से वो 2N टाइप होता है, 2N मतलब डिप्लॉयड। ओके, चलो नेक्स्ट। अब रिडक्शन डिवीजन क्या है, जब भी ये टर्म समाज सामने आए ना तो समझ लेना मियोसिस की बात हो रही है ना। मियोसिस माइटोसिस क्या होते हैं ऑलरेडी मैंने कहा है, एक वीडियो तुमको देखना है सेल डिवीजन, ठीक, तो वो देख लो, किसी का भी देख लो जिससे समझ में आता हो। 9th क्लास में है, 9th क्लास का हालांकि तुम्हारे लेवल पर भी है, तुम्हारे लेवल पर उसके माइटोसिस मियोसिस की स्टेजेस आएंगी, फेजेस आएंगे, तो वो फेजेस समझने से पहले बेसिक समझना जरूरी है और
क्योंकि बार बार ये टर्म यूज होनी है, माइटोसिस मियोसिस, तो बेसिक जरूर समझ लो, हैप्लोइड डिप्लोइड यूज होना है, समझ लो इसको। रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस कब बनता है, जब माइक्रोस्पोर बन रहे होते हैं, माइक्रोस्पोर का मतलब गैमेट्स, जब गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही होती है तब रिडक्शन डिवीजन होता है, रिडक्शन डिवीजन के फलस्वरूप ही, एज अ रिजल्ट ऑफ रिडक्शन डिवीजन गैमेट्स बनते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं, जब एन दिख जाए तो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। अब पोलन ग्रेन कैसे बनेगा, कौन से जब माइक्रोस्पोर की बात हो रही है तो कौन से गैमेट की बात हो रही है, पोलन ग्रेन की बात हो रही है, जब मेगास्पोर की बात होगी तो किसकी बात होगी, ओवम की बात होगी, एम्ब्रियो सैक की बात होगी, ओव्यूल्स होंगे, फीमेल गैमेटोफाइट की बात चल रही है। तो जब गैमेट बन रहा है पोलन ग्रेन, ठीक है, माइक्रोस्पोर की हम बात कर रहे हैं, तो माइक्रोस्पोर जब से या पोलन ग्रेन जब बनता है तो वो माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनता है जो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। कहाँ बनेगा, पोलन सैक के अंदर बनेगा, पोलन सैक कहाँ होता है, पोलन सैक एंथर के अंदर होते हैं, तो एंथर में पोलन सैक होती है और वहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं जिनके अंदर मियोसिस होता है, रिडक्शन डिवीजन होती है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल से, अब ऐसे इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं गैमेट्स, यानी माइक्रोस्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर विल बी हैप्लॉइड इन नेचर, ठीक है। जो मियोसिस होता है तो चार हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, एक डिप्लॉइड सेल्स है, तो ये माइक्रोस्पोर बन गए, पोलन ग्रेन बन गए, कहाँ बनेंगे, पोलन सैक के अंदर बनेंगे, ठीक है, ड्रॉ कर लेना इसको। चलो अब जो सिंगल मेगास्पोर मदर सेल होती है, दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो उसमें वो न्यूसेलस के अंदर प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस नहीं है, इट इज प्रेजेंट इन न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज ऑल्सो डिप्लॉयड इन नेचर। अब मेगास्पोर मदर सेल की बात चलिए, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल था जिससे पोलन ग्रेन बन रहा था, या मेगास्पोर मदर सेल है जिससे क्या बनेगा, जिससे बनेगा आठ न्यूक्लियस वाला एम्ब्रियो सैक, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट या फीमेल गैमेट बात करते, तो मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनता है, फीमेल गैमेट बनेगा, क्या बनेगा, फीमेल गैमेट, मेगास्पोर मदर सेल से फीमेल गैमेट बनता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस न्यूसेलस में प्रेजेंट होता है, ऑफ ओव्यूल के, ओव्यूल के न्यूसेलस के अंदर मेगास्पोर मदर सेल है, इसके अंदर भी मियोसिस होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, रिडक्शन डिवीजन की वजह से क्या होगा, फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा जिसके अंदर आठ न्यूक्लियस होंगे, आठ न्यूक्लियस मगर सेवन सेल्स, और वो कहाँ प्रेजेंट होंगी, एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक विल कंटेन एट न्यूक्लिएटेड सेवन सेल्ड फंक्शनल मेगास्पोर, यानी द फीमेल गैमेटोफाइट, यानी फीमेल गैमेट। तो एमएमसी है, दोनों के नाम में एमएमसी है, अगर मेल रिप्रोडक्ट मेल गैमेट बन रहा है तो हम इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बन रहा है, पोलन ग्रेन बन रहा है, और दूसरा एमएमसी है मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, इससे क्या बन रहा है भाई, इससे बन रहा है एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या फीमेल गैमेटोफाइट है, मेगास्पोर मदर सेल या मेगास्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होती हैं, पोलन ग्रेन या एम्ब्रियो सैक ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, जिनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह जाता है, रिड्यूस हो जाता है, इसलिए इसको रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है, रिडक्शन डिवीजन को मियोसिस कहते हैं। अंडरस्टूड, क्लियर यहां तक, बताओ जल्दी, इज दिस क्लियर, आगे मूव करें। चलो अब यहां पे, अच्छा मैं इसको पिक्चराइजेशन से भी दिखा सकता हूं आपको, यहां पर देखो आप, ये एंथर है, एंथर में से माइक्रोस्पोरेंजियम निकले, माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर निकले हैं, है ना, माइक्रोस्पोर, अब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स हैं मदर से, अब इनका रिडक्शन डिवीजन हुआ तो ये बने माइक्रोस्पोरेंजियम एमएमसी मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर
मदर सेल, ये दिखा देता हूँ, यहाँ से माइक्रोस्पोर्स बने मेल गैमेट्स, ठीक है। अब ये पोलन ग्रेन के अंदर मौजूद है, गैमेटोफिटिक जनरेशन है ये प्लांट की, गैमेटोफाइटिक जनरेशन, जिसमें गैमेट प्लांट की जो वो हिस्सा है जिसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स हैं या गैमेट्स अवेलेबल हैं, उसको गैमेटोफिटिक जनरेशन बोलते हैं, ठीक है। प्लांट के अंदर, एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर बहुत सारे न्यूमरस गैमेट्स होते हैं, ठीक है, और वो गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है प्लांट की। उसके बाद वो प्लांट का क्या होता है, वो पॉलिनेशन होने के बाद वो मेल गैमेटोफाइट पोलन ट्यूब की मदद से मूव कर जाता है एम्ब्रियो सैक के अंदर, है ना, और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन करेगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा, ये हम ऑलरेडी देखने वाले हैं, ठीक। अब यहाँ पे हमने देखा एंथर के अंदर थे मेगा माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसमें से माइक्रोस्पोर बने, तो यहीं पे हुआ है मियोसिस। ऐसे ही ये ओवरी है, ओवरी के अंदर है मेगास्पोर मदर सेल, इसका भी क्या हुआ है, यहां पर भी मियोसिस हुआ है, तब ये एग सेल बनी है। मियोसिस यानी रिडक्शन डिवीजन, इज दैट क्लियर। यहां पर ये 2n स्टेज थी डिप्लॉयड, यहां पर ये 2n स्टेज है, ये भी डिप्लॉयड स्टेज है, और ये दोनों कहां से आ रहे हैं, एंथर और पिस्टिल कहां से आ रहे हैं, फ्लावर पे से आ रहे हैं, ओके। यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो सकता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो सकता है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट वी हैव स्टडीड हियर। यहाँ पे अब हम जब इसका जाइगॉट बन जाएगा, अब यहाँ पे हमने आपको पहली बताया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 न्यूक्लियस वाला ये एग होता है। ये जो एम्ब्रियो फीमेल गैमेटोफाइट बना है, इसके अंदर 8 न्यूक्लियस होती हैं और 7 सेल्स होती हैं, 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल्स, 7 सेल्स के अंदर 8 न्यूक्लियस होती है। दो सेल आपको दिख रही है, दो न्यूक्लियस हैं, ये एक ही सेल है, दोनों फ्यूज हो जाते हैं, एक साथ अटैच हो जाते हैं, पर न्यूक्लियस अलग अलग रहता है इस तरीके से, ओके। एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं इसको, दैट इज कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। गॉट इट। चलिए अब आगे की तरफ मूव करते हैं। एंडोस्पर्म, इसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म बनेगा, एंडोस्पर्म यानी सीड लीफ को एंडोस्पर्म कहेंगे। सिनगैमी, ये जो वर्ड है सिनगैमी जो होता है, इसको ये फर्टिलाइजेशन के लिए यूज होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो फर्टिलाइजेशन कहते हैं उसको, मिक्सिंग, उसमें क्रोमोसोम मिक्स हो जाते हैं, इसलिए इसको सिनगैमी कहा जा रहा है। तो सिनगैमी हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एंड ट्रिपल फ्यूजन। भाई ये क्या है ट्रिपल फ्यूजन? ट्रिपल फ्यूजन क्या है, जो आपने अभी गैमेटोफाइट देखा था उसमें दो न्यूक्लियस वाली एक सेल थी पोलर न्यूक्लियाई, इसको एक मेल गैमेट फर्टिलाइज करता है, तो यहाँ पर इसके पास हो जाएंगे 1, 2, 3 न्यूक्लियस जब हो जाते हैं तो इसको ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन टुगेदर रिप्रेजेंट द फिनोमिना ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर एक एग सेल है, एक मेल गैमेट तो एग सेल को फर्टिलाइज करेगा, एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करेगा। अब ये एक्चुअली ये चैप्टर होना भी 11th में चाहिए था अगर इतनी बात चल रही थी, मगर क्या करें, इसको 12th में रख दिया है। जो ये आप पढ़ा रहा हूं ना मैं, ट्रिपल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन, ये 12th में है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो उसको वहां जाके समझना है। आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों हो रहा है ऐसा। तो पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज कर रहा है एक मेल गैमेट, क्योंकि दो मेल गैमेट होते हैं प्लांट में से जब आते हैं पोलन ट्यूब में से, और एक एग सेल को फर्टिलाइज करता है, तो भाई दो फर्टिलाइजेशन हो गए ना, तो इसको बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन क्या है कि पोलर न्यूक्लियाई के अंदर दो न्यूक्लियस होता है और एक न्यूक्लियस मेल गैमेट का गया, तो तीन न्यूक्लियस हो गए, यानी ट्रिपल फ्यूजन हो गया वो, ओके। और फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है कि ये एक सेल है, दिस इज वन सेल एंड दिस एग सेल इज अनदर सेल, तो इन दोनों सेल का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इनका फ्यूजन हो रहा है, तो इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ये एक एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सिर्फ आपको डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन सिर्फ और सिर्फ आपको देखने के लिए मिलेगा एंजियोस्पर्म प्लांट में, और कहीं ये देखने को आपको
नहीं मिलेगा। ओके, लगी इंटरेस्टिंग सी बात है? इंटरेस्टिंग सी बात है। अब एम्ब्रियो जो ओरिजिनेट होगा जाइगोट से, इट विल रिप्रेजेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीड, सीड के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाएगा। पहला राइपंड ओव्यूल जो मैच्योर्ड इंट्यूगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, राइपंड ओव्यूल दिखाएगा, मैच्योर इंट्यूगमेंटेड, इंट्यूगमेंटेड फोल्ड्स होंगे ओव्यूल के अंदर, तो वो मैच्योर्ड इंट्यूगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम बन गई होगी, जिसको हम राइपंड ओव्यूल कहते हैं, ओव्यूल पक जाएगा। ओके, सो अब यहां पर यहां फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद अब यहां एम्ब्रियो बन रहा है, ये एम्ब्रियो है और ये एम्ब्रियो से ही नया प्लांट ग्रो करेगा। ओके, ये प्रोसेस बस डेवलपमेंट है, यहां पे माइटोसिस होना है। सो एम्ब्रियोनल एक्सिस में कॉटिलिडोन्स हो सकते हैं, दो कोट हो सकते हैं, इट मे हैव वन और टू कॉटिलिडोन्स, ठीक है, इसमें एक या दो सीड लीव्स हो सकती हैं, जिनको मोनो, अगर एक कॉटिलिडोन होगा तो उसको मोनोकॉटिलिडोन कहेंगे, अगर दो कॉटिलिडोन होंगे तो उसको डाइकॉटिलिडोन्स कहेंगे। ये एक के लिए है और ये दो के लिए है, अगर दो कॉट्स होंगी, दो कॉटिलिडोन्स होंगे तो डाइकॉटिलिडोन प्लांट कहलाएगा, और एक कॉटिलिडोन होगी तो एक मोनोकॉटिलिडोन प्लांट कहलाएगा। इज दैट क्लियर? अब जो हाइपोकॉटिल है, इस सीड की मैं बात कर रहा हूँ, सीड की जो हाइपोकॉटिल है, इट विल गिव द राइज, गिव राइज टू द रेडिकल फ्यूचर रूट। अगर देखो यहाँ पे मैं सीड बनाऊँ तो यहाँ इसमें दो पार्ट होते हैं, ठीक है, एक होता है हाइपोकॉटिल, एक होता है एपिकॉटिल, तो ये एपिकॉटिल और दूसरा होता है हाइपोकॉटिल। हाइपोकॉटिल से बनती है फ्यूचर रूट, ये रूट्स में डेवलप हो जाएगा, इसको रेडिकल बोलेंगे फिर इन फ्यूचर, उसको जाके रेडिकल बोल रहे हैं। और जो एपिकॉटिल है, इट विल टर्न, इट विल गिव राइज टू द फ्यूचर स्टेम, और इसको प्लूमूले बोलते हैं, इट इज कॉल्ड प्लूमूले, प्लूमूले एंड रेडिकल, रेडिसल, ठीक है। तो रेडिसल बनती है फ्यूचर रूट, रेडिसल से ही रूट बनेगी, और एपिकॉटिल जो प्लूमूले बनाएगा उस, वो फ्यूचर स्टेम बनाएगा एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, ये याद रखने की जरूरत रहेगी। सीड जर्मिनेशन वो एपिजील या हाइपोजील टाइप का हो सकता है। सर ये एपिजील और हाइपोजील क्या है? ठीक है, हेलो विलेज लाइफ, एपिजील और हाइपोजील क्या है ये समझने की जरूरत है। देखो भाई, अगर सीड की जर्मिनेशन, सीड की जर्मिनेशन ग्राउंड के ऊपर हो रही है, ठीक है, कॉमन जो बीन्स होते हैं उसका एक एग्जांपल ले सकते हो, अगर सीड की जर्मिनेशन अबव द ग्राउंड हो रही है, सीड जर्मिनेशन इज अबव द ग्राउंड, तो वो एपिजील है, अबव द ग्राउंड, सीड ग्राउंड के ऊपर जर्मिनेट हो जा रहा है, एपिजील टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन। हाइपोजील अंडर द ग्राउंड, अगर अंडरग्राउंड हो रही है, अंडर द ग्राउंड सीड का जर्मिनेशन हो रहा है, तो उसको हाइपोजील टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन कहा जाएगा, इसको नोट कर लेना, ठीक है। मैंने कहा था क्लास में जो बताया जा रहा है, पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, मगर कुछ चीजें हैं जो सिर्फ क्लास में ही समझाई जाएंगी, तो वो क्लास के टाइम पर ही नोट करनी है। अभी वीडियो बन गया है ऑलरेडी आपके लिए, इसको नोट कर लेना, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मैं पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। बट पीडीएफ का सबसे सेफ जो रास्ता है वो टेलीग्राम ही है, व्हाट्सएप करना मुश्किल काम है, व्हाट्सएप से फोन की मेमोरी भी डाउन हो जाती है। ओके, तो ये नोट कर लिया होगा आपने। ओके, सीड एंडोस्पर्मिक हो सकता है, नॉन एंडोस्पर्मिक हो सकता है, सीड में एंडोस्पर्म पाए जा सकते हैं, सीड में एंडोस्पर्म नहीं पाए जाएंगे, जिनमें एंडोस्पर्म पाई जाएगी वो एंडोस्पर्मिक सीड कहलाएंगे, जिनमें एंडोस्पर्म नहीं पाई जाएगी उनको नॉन एंडोस्पर्मिक कहा जाएगा। ओके, मॉर्फोलॉजिकली बाहर विजिबली देखें तो जो राइपंड ओवरी है, ठीक है, तो राइपंड ओवरी किसमें टर्न हो जाती है, इट विल कॉल्ड फ्रूट, वो फ्लैशी हो जाती है, उसकी जो सेल्स होती हैं, सेल का अपना, जो फ्रूट का अपना कंटेंट है, राइपंड ओवरी, ओवरी का अपना कंटेंट है, वो फ्रूट कहलाता है, ठीक है। फ्रूट्स क्या होते हैं? फ्रूट्स सिंपल हो सकते हैं, एग्रीगेट हो सकते हैं, मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं,
फ्रूट ड्राई भी हो सकते हैं, बादाम खाते ही हो आप, फ्रूट फ्लैशी भी हो सकते हैं, आम खा ही रहे हो आजकल आप, ओके तो फ्लैशी हो सकते हैं, ड्राई हो सकते हैं, मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं, एग्रीगेट हो सकते हैं और सिंपल भी हो सकते हैं, ओके सो एंजियोस्पर्म्स को दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, डाइकोटिलीडोन जिसमें दो कोटिलीडोन है, मोनोकोटिलीडोन जिसमें सिंगल कोटिलीडोन है, ऑलरेडी मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूं। अब इन दो क्लासेस के अंदर बहुत सारे वेरियस मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस हैं, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स। अब इनको हमें इसके लिए एक टेबल में देखना पड़ेगा, तो टेबल कुछ इस तरीके से है, मैंने यहां पर एक टेबल बनाई है आपके लिए जिसमें डाइकॉट और मोनोकॉट का डिफरेंशिएशन किया गया, इन दोनों में भाई क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो मेरे को बताओ ये क्लियरली विजिबल हो रही है तुमको, कोई समस्या तुमको इसमें, तुम्हारी स्क्रीन छोटी सी है मुझको लग रहा है, तो हो सकता है क्लियरली विजिबल नहीं हो, तो मोनोकॉट और डाइकॉट क्लियरली विजिबल है तो मेरे को बताओ, जल्दी विजिबल है, ओके तो ये टेबल भी हमें बनानी है, टेबल की बात कर ले, डाइकॉट्स इसमें दो कोटिलीडोन होते हैं, दो सीड लीफ होती है, मोनोकोटिलीडोन दीज कंटेन वन कोटिलीडोन, इसमें एक ही तरह की सीड लीफ पाई जाएगी, डाइकॉट्स इनका जो फ्लावर होता है वो जनरली पेंटामेरस होता है, पेंटामेरस या टेट्रामेरस, ठीक है, यानी जो फ्लावर के पार्ट्स हैं, पेटल्स हैं, वो या तो पांच और पांच के मल्टीपल में होंगे, पांच दस पंद्रह बीस, समझ गए, या चार और चार के मल्टीपल में होंगे, यानी चार आठ बारह सोलह, या तो टेट्रामेरस होते हैं या पेंटामेरस होते हैं, तो आप फ्लावर को देख के भी पता चला सकते हो कि भाई ये डाइकॉट फ्लावर है या मोनोकॉट फ्लावर है, अगर 5, 10, 15, 20 इस तरीके से आपको फ्लावर में अरेंजमेंट दिखे पेटल्स का या सेपल्स का तो वो डाइकॉट्स हैं, और अगर आपको ट्राइमेरस दिख रहा है, तीन या तीन के मल्टीपल में दिख रहा है, 3, 6, 9, 12, अगर इस तरीके से फ्लावर में अरेंजमेंट दिख रहा है, फ्लावर के पार्ट्स का अरेंजमेंट 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे करके दिख रहा है, 15 वाले में कंफ्यूजन हो सकता है, बट जनरली ऐसा होता नहीं है, वहां पे कंफ्यूजन आता है तो हमें और चीजें भी चेक करनी पड़ती है, तो वो मोनोकॉट प्लांट है, अगर 3 के मल्टीपल में उसमें आपको स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं फ्लावर की। डाइकॉट्स का जो पोलन ग्रेन होता है उसमें 3 जर्म पोर्स होते हैं, 3 जर्म पोर्स होती हैं, जबकि मोनोकॉट का जो पोलन ग्रेन होता है उसमें सिंगल जर्मिनल फोरो होता है, ओके डाइकॉट्स की जो लीव्स होती हैं वो नेट वेंड होती हैं विद रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आपके लिए बनाया था, रेटिकुलेट वेनेशन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, इसमें वेन्स ब्रांच, एक मेन ब्रांच ब्रांच एक मेन वेन होती है और उसमें से ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है, और पैरेलल वेनेशन हमको ग्रास में देखने के लिए मिलेगा कि जिस तरीके से सारी वेन्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो वो सिर्फ मोनोकॉट्स में दिखेगा, तो लीव्स की वेन्स देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि प्लांट डाइकॉट है या मोनोकॉट है, रेटिकुलेट वेनेशन होगा तो डाइकॉट प्लांट होगा, पैरेलल वेनेशन होगा तो वो मोनोकॉट प्लांट होगा, ओके प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट की बात करो तो अब देखो भैया रेटिकुलेट वेनेशन है तो टैप रूट सिस्टम होगा, सीधी सी बात, तो इनमें टैप रूट होगा तो इसमें प्राइमरी रूट होगी, ठीक है, और उससे एडवेंचरस रूट भी निकलेंगी, तो एडवेंचरस रूट निकलेंगी, जब पैरेलल वेनेशन होता है तो उसमें प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है, टैप रूट सिस्टम एब्सेंट होता है, उसमें एडवेंचरस रूट होती है, उसमें फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है, तो इसमें फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाएगा मोनोकॉट्स के अंदर, लीफ को देख के हम बहुत सारी चीजों का ज्ञान लगा सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, ओके नेक्स्ट मूव करते हैं आगे की तरफ, सिक्स्थ स्टेम में कोसेंट्रिक अरेंजमेंट होता है टिश्यू सिस्टम का, जैसे एपिडर्मिक्स कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पेरिसाइकल पिथ, तो ये इस तरीके से अरेंज होती है कोसेंट्रिक, आर यू गेटिंग इट, इस तरीके से अरेंजमेंट होगा इन सारे टिश्यूज का,
डाइकोट्स के अंदर, मोनोकोट्स के अंदर जो है वो दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड इन स्टेम, टिश्यू स्टेम के अंदर डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं, ग्राउंड टिश्यू अकर होते हैं इनके अंदर, ग्राउंड टिश्यू अकर, इसके अंदर एक ग्राउंड टिश्यू मिलेगा बस, ओके अभी खत्म नहीं हुआ है, तीन चार और बचे हैं। डाइकोट्स के अंदर जो वास्कुलर बंडल होते हैं वो एक रिंग में अरेंज होते हैं, तो वास्कुलर बंडल भी रिंग्स की फॉर्म में अरेंज होंगे, जबकि मोनोकोट्स के अंदर वास्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। डाइकोट्स के अंदर जो वास्कुलर बंडल होते हैं उस वो दे पॉजेस कैम्बियम, यानी वास्कुलर बंडल ओपन है इनका, जिससे सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल है, उन्हीं वास्कुलर टिश्यू से और वास्कुलर टिश्यूज बन सकते हैं। मोनोकोट्स के अंदर वो कैम्बियम एब्सेंट होता है एंड वास्कुलर बंडल इसका मतलब है क्लोज है, तो कैम्बियम इज एब्सेंट इन द मोनोकोट्स। डाइकोट में जो रूट होती है इसमें पिथ एब्सेंट है, एब्सेंट होती है या स्मॉल होती है, और वास्कुलर बंडल जो होते हैं वो बहुत फ्यू, दे फ्यू, एट या आठ ही आठ से कम होते हैं। मोनोकोट्स रूट के अंदर पिथ प्रेजेंट रहेगा हमेशा, वास्कुलर बंडल बहुत सारे होते हैं, मोर देन एट, आठ से ज़्यादा मिलेंगे। वेसल्स जो होंगी वो पॉलीगोनल स्ट्रक्चर होंगी और आउटलाइन बाहर की तरफ होंगी। मोनोकोट जो के अंदर वेसल्स होती हैं दे आर राउंडेड इन आउटलाइन, आउटलाइन में वो राउंडेड होंगी और ये पॉलीगोनल शेप बनाएगी। ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स, एनजियोस पर हमने कर लिया है। अब हमें करना है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे लिए, कल के क्लास में मैं कराऊंगा, 8:30 बजे ही कराऊंगा। तो अगर ठीक है ये समझ में आ गया है, अगर कोई डाउट है तो मेरे से अभी पूछ सकते हो, चैट सेक्शन चल रहा है ऑलरेडी, सो यू कैन ऑलवेज आस्क योर डाउट हियर। पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम अगर जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया बच्चों ने, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है हमने, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि टेलीग्राम डाउनलोड करके आप सॉर्ड इंडिया फाइंड आउट करोगे आपको मिल जाएगा, है ना, तो सॉर्ड इंडिया के चैनल से आपको जो टेलीग्राम वाला चैनल है आपको पीडीएफ वगैरह सब की सब अवेलेबल हो जाएगी। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना, सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ओके थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।